दोस्तों, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि 2022 में पास आउट स्टूडेंट्स को भी एग्जिट एग्जाम देना होगा या नहीं। जो स्टूडेंट्स इसी वर्ष पास होने वाले हैं उन्हें भी एग्जिट एग्जाम देना होगा या नहीं, इसी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, PCI चीफ मोंटू पटेल ने एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की इसी वर्ष से एग्जाम की तैयारी करानी शुरू कर दी है। आपको PCI चीफ के वो वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं जिसमें उन्होंने इसी वर्ष से यानी कि 2022 से एग्जिट एग्जाम शुरू करने की बात कही है। 5 जून को असम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिस सेमिनार में PCI चीफ मोंटू कुमार पटेल ने यह बात कही। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको बता दें कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल जाए किसी वर्ष से आपके एग्जिट एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें मोंटू पटेल ने यह बात कही है कि आपके एग्जिट एग्जाम इसी वर्ष से आपके शुरू होने वाले हैं। हो गए फिर भी पता नहीं क्वालिटी कहाँ जा रही है, इसीलिए एग्जिट एग्जाम का प्रोविजन हमने किया है डिप्लोमा फार्मासिस्ट के लिए। और जो एग्जिट एग्जाम इसी साल इम्प्लीमेंट होगा, इसी साल ही हो जाने वाला है, अभी अगले साल नहीं होगा, इसी साल हो जाएगा एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम कौन लेने वाला है वो भी मैं बोल दूं कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो नीट और जी मेडिकल की एग्जाम के